नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ वीडियोस से हम लोग लघु पाराशरी की श्रृंखला कर रहे हैं, आज वही लघु पाराशरी की श्रृंखला मैं आगे बढ़ा रहा हूं। राहु केतु के बारे में मैं आपको बता रहा था कि राहु केतु के परिणाम कैसे। ऑलरेडी 2 वीडियो में राहु केतु के परिणाम मैंने बता दिए हैं, जिन्होंने ना देखे हों वो कृपया देख लें। आज बताऊंगा कि राहु केतु की अंतर्दशा हो तो कैसे रिजल्ट मिलें, योगकारक रिजल्ट मिलेंगे या अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, तो वो आपको मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए श्लोक नंबर 36 लघु पाराशरी में दिया है, उसमें कहा गया है, तमो ग्रहो शुभारूढ़ वसा संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भविताम योग कारको। वो कहते हैं कि अगर शुभारूढ़ो, शुभारूढ़ा मीन्स के अगर तमोग्रह, तमोग्रह मीन्स राहु केतु, शुभारूढ़ा अगर किसी शुभ स्थान में हो, शुभ स्थान कौन से होते हैं, त्रिकोण का स्थान, केंद्र का स्थान शुभ स्थान होते हैं, और किसी से संबंध ना भी हो तो भी अपनी अंतर्दशा में योग कारक रिजल्ट देते हैं। कैसे रिजल्ट देते हैं, वो कहते हैं कि शुभ स्थान में हो और किसी से भी संबंध ना हो तो भी अपनी अंतर्दशा में वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब वो कैसे देते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे, इसके बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो अब इसमें क्या है कि पहली शर्त तो ये है कि राहु केतु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, क्योंकि यही शुभ भाव होते हैं। पहला तो त्रिकोण का नंबर हो गया, दूसरा केंद्र वाले भाव हो गए, ये शुभ भाव हो। दूसरा, राहु केतु की अंतर्दशा चल रही हो, और अगर महादशा किसी योग कारक ग्रह की चल रही, राहु केतु की अंतरदशा हो और अगर मारक ग्रह किसी योग कारक ग्रह की चल रही है तो उस केस में रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ये ध्यान देने वाली इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहां मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इधर एग्जांपल में देखिए, राहु त्रिकोण में बैठा हुआ है, पांचवें भाव में। ये राहु की पहली पोजिशन में दिखाई है, राहु की 2 पोजिशन हमने दिखाई है, एक बार यहाँ पे और एक बार 90। तो पहली पोजिशन समझिए कि राहु पांचवें भाव में और मंगल की महादशा है। मंगल इस कुंडली में कैसा है, मंगल इस कुंडली में केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी, 10वें भाव का और 5वें भाव का स्वामी, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी है, तो मंगल इस कुंडली के अंदर पूर्ण योगकारी हुआ। तो ऐसे केस में राहु की अंतरदशा पूर्ण योगकारी, अगर महादशा भी पूर्ण योगकारी ग्रह की है और बिना पीड़ित के है, तो उस केस में अंतरदशा राहु केतु की अगर वो शुभ स्थान में बैठे हैं तो बहुत ही शुभ होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो राहु त्रिकोण में है, मंगल राहु की युति पंचम में है, और इसलिए मंगल तो महादशा में शुभ हुआ, पूर्ण योगकारी ग्रह हुआ, जिसकी वजह से वो शुभ फल दे रहा। और मंगल से अगर आप देखें इस कुंडली में तो मंगल से संबंधित है, क्योंकि राहु मंगल के साथ बैठा है। वहां पे दिया था कि संबंध हो या ना हो श्लोक, तब भी वो योग कारक रिजल्ट देता है, शुभ स्थान में अगर राहु हो, राहु केतु। तो राहु केतु शुभ स्थान में है और यहाँ पे ये दोनों संबंधी भी हैं, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट अच्छे दे रहा है और महादशा भी योग कारक ग्रह की है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे। अब आते हैं अंतरदशा केतु, इन योग कारक महादशा। अब जैसे केतु का देखिए, केतु शुक्र के साथ बैठा है, लगन में बैठा है, केतु शुक्र के साथ लगन में बैठा है, शुक्र की महादशा है और उसमें केतु की अंतरदशा चल, तो दोनों संबंधी हुए, चूंकि एक साथ बैठे हैं दोनों संबंधी तो हुए। अब वीनस इस कुंडली में क्या है, 4वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव का त्रिकोण का स्वामी, तो इस कुंडली के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह है। तो इसका मतलब वीनस में केतु की दशा अंतरदशा, एक तो केतु शुभ स्थान में है, ऊपर से महादशा भी पूर्ण योगकारी ग्रह की है, तो बहुत ही अच्छी जाए, बहुत ही अच्छी जाए। अब आगे चलते हैं, जैसे अगर राहु केतु और महादशा के स्वामी परस्पर संबंधित, संबंधित हो मींस कि अपने साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, 4 संबंध होते हैं हमारे, एक दूसरे को देखते हो, साथ बैठे, क्षेत्र परिवर्तन संबंध, लेकिन यहाँ क्षेत्र परिवर्तन संबंध तो यहाँ होता नहीं है। तो राहु केतु के केस में संबंध आपको सिर्फ युति का ही लेना है, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि भी लोग नहीं मानते। तो राहु केतु का संबंध की अगर हम बात कर रहे हैं कि राहु केतु का किसी ग्रह संबंध है, तो इट मींस कि उसकी युति उस ग्रह के साथ। तो पहला रिजल्ट आता है कि योग कारक महादशा, योग कारक ग्रह की महादशा हो और राहु शुभ भावों में स्थित हो और उसकी अंतरदशा हो राहु केतु, तो वो पूर्ण योगकारी यानी बहुत ही अच्छा परिणाम दे। केंद्रेश की महादशा हो, केंद्र के स्वामी की महादशा हो, केंद्र के स्वामी भी शुभ माने जाते हैं, वैसे तो तटस्थ कर देते हैं उनको कि भाई केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो वो तटस्थ हो गया, अशुभ ग्रह है तो वो तटस्थ हो गया, लेकिन केंद्र अच्छा स्थान माना और शुभ भाव में राहु केतु हो तो भी पूर्ण योगकारी रिजल्ट मिलेंगे। शुभ ग्रह की महादशा हो बिना कष्ट के, बिना कष्ट के मीन्स के पीड़ित ना हो, उसकी महादशा है शुभ ग्रह की और राहु केतु की अंतरदशा है, तो वो भी पूर्ण योगकारी हो। फिर कहते हैं शुभ ग्रह की महादशा हो लेकिन वो पीड़ित, अशुभ ग्रहों से त्रस्त हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, सूर्य से अस्त हो, ऐसे केस में राहु की अंतरदशा, राहु केतु की अंतरदशा बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ अच्छी हो, ये जरूर इसके अंदर माना है, सामान्य शुभ माने। अशुभ ग्रह की महादशा हो तब क्या होगा कि किसी अशुभ ग्रह की महादशा है, अशुभ ग्रह की महादशा मीन्स कि तीसरे, छठे, आठवें और 11वें भाव के स्वामी की महादशा, तब क्या होगा, और शुभ भाव में स्थित राहु केतु की अंतरदशा हो तो रिजल्ट मिश्रित होगा।
अच्छा भी होगा और अशुभ भी, दोनों तरह के रिजल्ट इसके अंदर मिले, निश्चित परिणाम मिले, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी। क्योंकि जिसकी महादशा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अशुभ ग्रह है कुंडली के लिए, योगकारी ग्रह नहीं, और शुभ भाव में स्थित राहु केतु है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राहु केतु की महादशा के बारे में, अंतरदशा के बारे में, और अगर वो महादशा से संबंधित ना हो, मतलब उसके साथ ना बैठा हो। अभी तक तो जो हमने बात की वो वहां बात की कि जब राहु केतु शुभ घर में बैठे हो और महादशा किसी शुभ ग्रह की हो और उस वो महा राहु केतु महादशा से संबंधित उनके साथ बैठे, यहाँ हम देखते हैं कि ये महादशा के साथ नहीं बैठे, संबंध नहीं है, तब क्या हो? तो योग कारक ग्रह की महादशा हो और शुभ भाव में स्थित राहु केतु की अंतरदशा हो तो पूर्ण योगकारी, कोई डाउट वाली बात। केंद्रेश की महादशा हो और शुभ भाव में स्थित राहु केतु की अंतरदशा हो, पूर्ण योगकारी। वही श्लोक को बोल रहा था कि संबंध हो या ना हो, अगर शुभ ग्रह में राहु केतु बैठे हैं तो दशा अंतर दशा जो उनकी चलेगी वो शुभ हो, शुभ ग्रह की महादशा हो, शुभ ग्रह की महादशा बिना कष्ट के, और शुभ भाव में स्थित राहु केतु हो तो भी योगकारी होगी। शुभ ग्रह की महादशा पीड़ित शुभ ग्रह हो और शुभ भाव में स्थित राहु केतु की अंतर दशा हो तो सामान्य शुभ रहेगी। अशुभ ग्रह की महादशा तथा शुभ भाव में स्थित राहु केतु तो मिश्रित फल आपको मिल जाएंगे। तो ये राहु केतु के बारे में हमने दिया हुआ। एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हम जो जैसे मैं बताता आ रहा हूं कि ये वाले भाव शुभ हैं, ये भाव अशुभ, भाव में राहु केतु बैठा हो तो कौन से भाव शुभ है कौन से भाव, तो पहला पांचवा नवा भाव शुभ भाव होता है। त्रिकोण लॉर्ड्स जो है वो हमेशा ऑस्पिशियस होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं। 3, 6, 11 भाव ये भाव अच्छे नहीं होते, अशुभ कहलाते हैं। और इनके दो साइन अगर हैं, दो साइन है मतलब त्रिज्याय लॉर्ड कोई कोई ग्रह है, मंगल है, तो उसके दो साइन होंगे, एक पहला नंबर एक आठवां नंबर, तो उनकी शुभता या अशुभता, बेसिकली अशुभता, क्योंकि शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के स्वामी तो अशुभ होंगे। तो अशुभ ग्रह का स्वामी अगर किसी अच्छे घर का मालिक भी है तो उस केस में उसकी अशुभता थोड़ा कम हो। 4, 7, 10 ये न्यूट्रल भाव, अगर केंद्र के स्वामी नेचुरली नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं तो वो अपना शुभ रिजल्ट नहीं देते, और केंद्र के स्वामी अगर नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह मीन्स सूर्य शनि मंगल, तो वो अपना अशुभ रिजल्ट नहीं देते, वो भूल जाते हैं। ये श्लोक मैंने आपको पीछे बताया। 8वां भाव बहुत ही बुरा भाव होता है, इसमें कोई बुराई है नहीं कहने के लिए। 8th का जो लॉर्ड होगा वो हमेशा मैलेफिक होगा, नुकसान देने वाला होगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के लिए ये बात लागू नहीं, ठीक, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ एक ही राशि होती है, तो उनका एक्सेप्शन है उनके लिए कि ये कहीं काउंट ना। इसलिए सूर्य चंद्रमा अगर 8वें स्थान के स्वामी भी हैं और वो 8वें स्थान के स्वामी होके किसी भाव में जाएं कुंडली के, चौथे भाव में, छठे, पांचवें भाव में, या तीसरे भाव में, या दूसरे, तो उस भाव का नुकसान वो नहीं करे। दूसरा और 12वां भाव ये स्थितिहीन भाव होता है, स्टेटस लेस होता है, जैसे हमने समझाया था इसके अंदर पहले भी, आप इससे एक श्लोक पूरा पढ़ा था कि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो स्थितिहीन होते हैं, उनका रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो किस भावेश के साथ है, और नंबर दो, दो चीजों पर डिपेंड करता है कि किस भावेश के साथ है, और नंबर दो उनका दूसरा साइन कहाँ पे। अगर दूसरा साइन उनका अच्छी जगह पे है और अच्छे भावेश के साथ है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, अगर भावेश अच्छा नहीं है और दूसरा साइन अच्छी जगह पे है तो मिश्रित परिणाम मिलेगा। तो ये दूसरे और 12वें भाव के, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते। इसके अलावा जरा सी एक जरूरी सूचना है कि हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी जुलाई के अंदर, जो लोग भी इच्छुक है वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर। धन्यवाद, जय श्री।